हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक डॉक्टर के भरोसे चार पशु अस्पताल। सिरोही के पशुपालन विभाग लकवाग्रस्त होने के कगार पर है। हाई प्रोफाइल यूनिट सिटी में पड़े नवयुग ग्रामीण इलाकों में काम करने को तैयार नहीं हो रहे। नतीजतन जिले में 23 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। जिले की जरूरत के हिसाब से 35 चिकित्सक यहाँ होने जरूरी हैं, लेकिन मौजूदा समय में 12 चिकित्सक हैं ही नहीं। सबसे ज़्यादा खराब हालत ग्रामीण इलाकों की है। इन इलाकों के अस्पतालों की हालत इतनी ज़्यादा बदतर है कि किसी भी तरह का स्टाफ वहाँ रुकने को राजी नहीं है। पिछले साल सरकार ने जो 200 पशु चिकित्सक भर्ती किए थे उनमें से सबसे ज़्यादा यहीं पर भेजे गए, लेकिन उनमें से चार तो पहले दिन ही हालात देखकर निकल भागे। मतलब अभी स्टाफ यहाँ पे दिखता है? अभी स्टाफ में एक डॉक्टर रूम है और एक हमारे कंपाउंडर है और ये चार हमारे फोर्थ क्लास में। ऐसा कोई मामला आया जैसे आपको बाहर जाना पड़े जिला मुख्यालय से? जिला मुख्यालय से तो बाहर नहीं, लेकिन जैसे सिरोही में आवारा केस वगैरह आते हैं उनके लिए भी जाना पड़ता है। बीच में अभी पोस्टमार्टम आया था मोर का, तो नर्सरी में उधर भी जाना पड़ता है। तो अभी विभाग इस पर कुछ नहीं कर रहा है? यहाँ पे मैंने सुना है कि अभी डॉक्टर थे वो अपना ट्रांसफर करवा के चले। डॉक्टर भी सब चले गए हैं, उपनिदेशक का भी पद खाली है और अभी तो हमारी सैलरी वगैरह भी नहीं बन रही है उसके। तो अभी सैलरी कितनी पेंडिंग है? अभी हमारी जुलाई की पेंडिंग चल रही है। जुलाई से। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।